सो हेलो एंड वेलकम एंड दिस साइड और विजय हेयर, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ये पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ का जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसमें हमने अपने चैनल के ऊपर सारी एक्सप्लेन सीरीज अपलोड करी हुई है। हर चैप्टर के पार्ट्स को अपलोड किया हुआ है एंड आई होप आप सभी लोगों ने वो जितना भी सीरीज था जो चैप्टर के अकॉर्डिंग था, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग था, वो सारा वॉच आउट कर लिया होगा। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ज्योग्राफी में जो MCQ क्वेश्चन बेस्ड है वो तो आ रहे हैं, आप वो कराएंगे कराएंगे, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम आएगी मैप के क्वेश्चंस को लेके। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऑल मैप फॉर एग्जाम, मतलब जितने भी एग्जाम के रिगार्डिंग में आपके मैप आ रहे हैं और कौन से मैप आने के पूरे पूरे चांस है, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और बहुत सारे मैप हैं और टर्म वन के एग्जाम में आपको एग्जैक्टली कौन सा मैप प्रिपेयर करना है उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आप अच्छी तरीके से सटीक तैयारी कर पाए। ओके, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि हम आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं वहां पे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आप अगर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर चलाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप सर्च कर सकते हैं ये पाठशाला, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सीबीएसई वालों ने क्या कहते हैं आपके, अगर आपको याद हो, सीबीएसई वालों ने आपको cbseacademic.nic.in पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज चैप्टर अपलोड किए हुए थे और बताया हुआ था कि जो वर्ल्ड वाली बुक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और इंडिया वाली जो बुक है उसमें से कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं और साथ में जो प्रैक्टिकल आपसे लिया जाएगा उस प्रैक्टिकल में कौन कौन सा प्रैक्टिकल आएगा। तो यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यहाँ पे भी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 इसकी बात करी गई थी। अब यूनिट 1 में इंडिया वाली बुक में बहुत सारे चैप्टर है, यूनिट 2 के अंदर भी इंडिया वाली बुक में बहुत सारे चैप्टर है, और यहाँ पे बात हो रही है कि मैप वर्क ऑन आइडेंटिफिकेशन फीचर बेस्ड ऑन फर्स्ट टू फाइव यूनिट। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल मैप में, पॉलिटिकल जो मैप आएगा आपका 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर के लिए इतने सारे मैप है, इंडिया वाली बुक में भी है और वर्ल्ड वाली बुक में भी है। अब 5 नंबर की तैयारी, देखो जिसको 40 out of 40 लाने हैं उसके लिए 5 नंबर पढ़ना बहुत बड़ी बात है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आसपास से लोगों से पूछ के काम चला लेने तो उसके लिए वीडियो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं आप सभी लोगों को सारे मैप की स्टडी कराऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली वही मैप की स्टडी कराऊंगा जो आपके पेपर के अंदर आने वाले। क्यों? बिकॉज अगर आपको पता हो तो ये चीज सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए पहले से अपलोड थी और बताया गया था कि अगर आप वर्ल्ड वाली बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड वाली बुक पढ़ रहे हैं और पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट इसके अंदर आ रहा है तो आपको यही यूनिट पढ़ना है, आपको यही पढ़ना है कि पहले वाले चैप्टर के अंदर तो कोई मैप नहीं है, सेकेंड और फोर्थ चैप्टर के अंदर द लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन द टर्म ऑफ एशिया, और फिर यूनिट थर्ड के अंदर पहले से लेके 8 तक, यानी कि पहले से लेके 8 तक बताया गया है, पहले से लेकर करो 5th से लेके 8 तक बताया गया है कि ये सारे मैप आएंगे। मतलब वर्ल्ड वाली बुक के अंदर अगर 8 चैप्टर तक आपको टर्म 1 के अंदर यूनिट 3 के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं तो 8 चैप्टर में बहुत सारे मैप हो सकते हैं, लेकिन सारे मैप करने की जरूरत नहीं है। एक मैप ये वाला है, एक मैप 2 3 4 5 6 7 8 मैप अगर आपने पढ़ लिए, 8 मैप पढ़ लिए, उसके अलावा कोई और मैप नहीं आएगा। मतलब हर एक चैप्टर से एक मैप नहीं, क्योंकि पहले चैप्टर में तो है ही नहीं, दूसरे और चौथे चैप्टर के अंदर पूरे मिला के अगर 3 चैप्टर बोले 2, 3 और 4 की, तो उसमें सिर्फ एक मैप आ रहा है। मैप आ रहे हैं 5th से लेके 8th में, और 5th वाले में, प्राइमरी वाले में सबसे ज्यादा आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, और सेकेंडरी वाले चैप्टर में एक ही मैप आ रहा है। तो इस तरीके से इस मैप की अगर आप स्टडी करेंगे तो एग्जैक्टली यही आने वाले हैं और कोई नहीं आएंगे। दूसरा, अगर इंडिया वाली की बुक की बात कर ले तो ऑफकोर्स इसमें भी 3 यूनिट है और 3 यूनिट के हिसाब से इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर है, लगभग 9 चैप्टर तक है, तो 9 चैप्टर के लिए भी आपको सारे मैप पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टू फोर्थ में आपको पढ़ना है नंबर 1 हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ होता है, मतलब कहाँ पे शहरीकरण सबसे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, कहाँ लोग माइग्रेट करके कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा जाते हैं और कहाँ से निकलते हैं वो बताना है। बताना है ऐसे 6 शहर जहाँ पे 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो ये आपको बताना है। और उसके बाद 6 to 9 चैप्टर के अंदर आपको बताना है आयरन ओर, कहाँ से लोहा अयस्क कौन कौन से स्टेट से मिलता है, मैग्नीशियम माइंस कहाँ कहाँ पे है, कॉपर माइंस कहाँ कहाँ पे है, बॉक्साइट माइंस कहाँ कहाँ पे है, कोल माइंस कहाँ कहाँ पे, और ऑयल रिफाइनरीज जहाँ पे ऑयल को फिल्टर किया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, वो सारे कहाँ कहाँ पे। ऑल एंड ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि चांसेस एक मैप आपको इंडिया का दे दिया जाएगा और एक मैप आपको वर्ल्ड का दे दिया जाएगा।
ऑफकोर्स क्योंकि 5 मार्क्स का मैप आएगा तो 3 क्वेश्चन इंडिया से पूछ लिया जाएगा और 2 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड से पूछ लिया जाएगा, या 3 क्वेश्चन वर्ल्ड से पूछ लिया जाएगा और 2 क्वेश्चन आपका इंडिया से पूछ लिया जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा है, अब एक एक करके स्टडी करते हैं। एग्जैक्टली वही मैप बताऊंगा मैं जो पेपर में आने के चांस है। अगर आपने इन्हीं मैप को तैयार कर लिया, मैं आपको 40 out of 40 लाने की गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि हम MCQ सीरीज भी आपके लिए लाएंगे और वही 200-300 MCQ जो मैं आपको पेपर के लिए कराऊंगा, आप बस उतना कर लीजिएगा और ये वाला मैप जो मैंने आपको बताया है आप ये कर लीजिएगा, आप आसानी से पेपर के अंदर 40 out of 40 लेके आएंगे। नंबर वन बात करते हैं अर्बन कॉम्पोजिशन की, मतलब ऐसा शहर जहां पर सबसे ज्यादा हाईली अर्बनाइजेशन होता है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो ये मैप के अंदर फिल करने के लिए आपको आएगा, आपसे पूछा जाएगा कलकत्ता कहाँ पे है, आपसे पूछा जाएगा मुंबई कहाँ पे है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं आपका दूसरा स्टेट, जैसे कि ये हो गया आपका बेंगलोर कहाँ पे है, मदुरई कहाँ पे, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जबलपुर, ये वो प्लेसेस है जो पेपर में आपको फिल करने के लिए आ जाएगी। तो इंडिया वाला मैप आपके दिमाग के अंदर रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए कि भैया कलकत्ता जो है इधर है, ये रहा, उसके बाद भैया मुंबई कहाँ है, ऑफकोर्स ये रहा, है ना, उसके बाद बेंगलुरु कहाँ है। तो ऐसे करते 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 आपको एग्जैक्टली पता कर लेना बेंगलुरु ये रहा, उसके बाद मदुरई कहाँ पे है, इधर मदुरई, इधर साउथ के हिस्से में कहीं पे मदुरई है, उसके बाद अहमदाबाद, ऑफकोर्स गुजरात में चले जाइए अहमदाबाद, उसके बाद कहाँ दिल्ली, ऑफकोर्स हार्ट ऑफ द आवर कंट्री कानपुर, ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश में कहीं कानपुर होगा, मेंशन कर देना भाई ये रहा कानपुर, उसके बाद कहाँ पे लुधियाना, लुधियाना चले जाओ आपके पंजाब के आसपास में, ये रहा लुधियाना, चले जाओ जबलपुर MP में चले जाओ जबलपुर। तो ऐसे प्लेसेस ना आपके दिमाग में बने रहने चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा अगर अर्बनाइजेशन है, अगर अर्बनाइजेशन मतलब शहरी इलाके सबसे ज्यादा अगर कहीं देखने को मिल रहे हैं, मतलब शहरी इलाके सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो इधर के इलाकों में। तो इतना अगर आपको लोकेशन पता है, एग्जैक्टली यही चीज याद करनी है और दूसरी चीज कोई याद नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ सेम यही याद कर लीजिए, कलकत्ता कहाँ है, मुंबई कहाँ है, बेंगलोर कहाँ है, उसके बाद मदुरई कहाँ है, उसके बाद अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जबलपुर, बस इतना याद कर लेंगे तो ये हाइएस्ट हो गया। और उसके बाद अपोजिट में आपसे क्या पूछ लिया, लोएस्ट पूछ लिया, सबसे कम कहाँ पे अर्बनाइजेशन, तो सबसे कम वाला मुझे नहीं लगता कहाँ पूछा जाएगा, हाईएस्ट पूछ लेंगे, सबसे कम मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, भाई इधर के इलाके में मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन में थोड़ा पूछ लेगा आपसे। हाँ तेलंगाना पूछ सकता है कि तेलंगाना जो है ना हैदराबाद से टूट के नया बना है ना, तो तेलंगाना आपसे पूछा जा सकता है, तो तेलंगाना आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद नॉन इंडिकेटेड वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान का नॉन इंडिकेटेड प्लेस जहां पे ज्यादातर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। उसके बाद रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज वही जो आपके क्या कहते हैं जहां पे मैं कह सकता हूं कि थोड़े से मतलब हिली ट्रैक जैसे इलाके होते हैं, ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऑफकोर्स यहीं के इलाके फ्लड प्रोन जहां पे ज्यादातर बाढ़े आते हैं, पेनिनसुलर जहां पे ये उठा हुआ हिस्सा मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है ना, तो ये वाले हिस्से जो है ऑफकोर्स ये मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर हाईएस्ट पूछा जा सकता है। तो हाईएस्ट याद रखिएगा, हाईएस्ट सबसे ज्यादा कहाँ होता है वो आपसे एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर, और वो चीज अगर आपको एग्जैक्टली पता होगी तो मुझे लगता है कि आपका काम बन जाएगा। तो ये तो एक मैप हो गया। दूसरा मैप आपसे पूछा हुआ है हाईएस्ट डेंसिटी वाला इलाका कौन सा है, भारत में हाईएस्ट डेंसिटी कहां पे देखने को मिलती है, तो सिलेक्टेड जगह है ऑफकोर्स दिल्ली है, ठीक है ना, दिल्ली है, आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला इलाका, मुझे कमेंट करके बताइएगा अभी इसकी डेंसिटी कितनी है, उसके बाद बिहार, आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश के जस्ट साथ में, बिहार कितनी है उसकी डेंसिटी 1200। अच्छा एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं, ये 2011 के स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग है, कहीं बच्चे कहेंगे 2021 के स्टैटिक्स में तो बदल गया, ऑफकोर्स बदल गया, लेकिन मैं 2011 का बता रहा हूँ। उसके बाद वेस्ट बंगाल, ऑफकोर्स चले जाइए ममता बनर्जी, आ जाइए ममता बनर्जी जी, ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया वाले बच्चे हैं तो इंडिया वाले बच्चों को तो ऑफकोर्स पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये तो सभी को पता होगा, केरला ऑफकोर्स कोस्टल लाइन पे आ जाइए, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आप यहाँ आ जाइए। तो ये सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि अगर भारत में कहीं डेंसिटी देखने को मिलती है तो ये पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे, या तो हाईएस्ट पूछ लेगा और या तो उसके अलावा आपसे लोएस्ट पूछ लेगा। तो लोएस्ट पता होना चाहिए आपको, लोएस्ट ऑफकोर्स अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, लोएस्ट कितना है 17, 1 किलोमीटर के अंदर आपको 17 लोग ही देखने को मिलते हैं, सो दिस इज द हाईएस्ट एंड दिस इज द लोएस्ट। तो ये बहुत आसान था, ये आप कर सकते हो। दूसरा ये है इन माइग्रेंट स्टेट, भारत में ऐसे कौन से प्लेसेस है जहां पर सबसे ज्यादा इंसान माइग्रेट होके जाता है काम धंधे की तलाश में, तो सिंपल सा है ऐसे इलाके होंगे जो इंडस्ट्रियल इलाके होंगे, तो इंडस्ट्रियल इलाकों में कौन सा है, ग्रेटर मुंबई, तो मुंबई ये रहा भाई, ये मुंबई, ठीक है, उसके बाद दिल्ली, ऑफकोर्स दिल्ली में लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब अच्छी मिलती है, कलकत्ता, ये रहा कलकत्ता भाई, आ जाइए बंगाल के अंदर कलकत्ता मेंशन कर दीजिए, उसके बाद चेन्नई, ऑफकोर्स इधर आ जाइए चेन्नई, ये रहा चेन्नई, है ना,
उसके बाद क्या है बेंगलुरु, तो ये आ जाइए बेंगलुरु, ये रहा बेंगलुरु कर्नाटका। उसके बाद क्या है हैदराबाद, तो हैदराबाद ये रहा हैदराबाद है ना, कहाँ गया ये रहा हैदराबाद आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है हरियाणा, तो हरियाणा यहाँ चले जाइए हरियाणा। तो ये प्लेसेस है, इतना तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा बिना पढ़े भी अगर जाएगा तो मैप फिल आसानी से कर सकता है। ये वो प्लेसेस है जहां पर इन माइग्रेंट स्टेट है। इन माइग्रेंट स्टेट का मतलब पूरे भारत में अगर कोई भी अपने इलाके से निकल के काम धंधे की तलाश में कहीं जाता है तो वो यहां जाता है ना। इतना आपने याद रखना है कि वो बंदा यहां पे काम धंधे की तलाश में जाता है। अच्छा, जाता कहां से, उसे हम आउट माइग्रेंट बोलते हैं, आउट माइग्रेंट स्टेट। भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे इंसान सबसे ज्यादा अपने प्लेस से निकल के दूसरी जगह पे जाता है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है कि इनको काम धंधा यहां मिलता नहीं है। ज्यादातर ये दिल्ली और जो अभी हमने बताया हैदराबाद चेन्नई इधर के इलाकों में माइग्रेंट होते हैं। बिहार के लोग भी सबसे ज्यादा माइग्रेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के लोग भी सबसे ज्यादा माइग्रेंट होते हैं। देखो इलाका बहुत बड़ा है, किसी भी स्टेट के सीएम के बस की बात नहीं होती कि सभी इलाके के लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाई जा सके, इसलिए इन लोगों को सबसे ज्यादा माइग्रेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा आउट एंड माइग्रेंट वाला प्लेस। अब यहाँ पे आपसे एग्जामिनर ने एक और पूछ लिया कि ऐसे सिटीज बताइए जहां पर जनसंख्या जो है 10 मिलियन से भी ज्यादा है। 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन है ना, तो आपको बताना है कि 10 मिलियन से भी ज्यादा कौन सी सिटी है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं भाई, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इतना तो आप सभी लोगों को पता होगा है ना। अगर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो सिंपल सी बात है 10 मिलियन में कितने हो गए, 10 मिलियन में 10 × 10 100 लाख हो गए भाई, 100 लाख हो गए, वेरी गुड, 1 करोड़ हो गया। यानी कि अब 1 करोड़ हो गया 10 मिलियन का, तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। आई होप हमारा चैनल 10 मिलियन क्रॉस करे, मेहनत तो चली रही है, आप सभी का साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे इंडिया के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो सिटीज है ना, सिटीज वो कम से कम 4, 6, 8 है, पर 10 मिलियन पीपल सभी स्टेट्स के अंदर, 1 करोड़ जनसंख्या सभी स्टेट्स के अंदर नहीं रहती होगी, हम नहीं कह सकते ना 10 मिलियन सिटीज कौन सी हो सकती है भाई, इतना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना पता है हमें कि 4, 6, 8 सिटीज में से 53 सिटीज ऐसी है जो जहां पर अर्बन एग्लोमरेशन हो रहा है। अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो शहरी क्षेत्रों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इतना तो हमें पता है। और उसमें से हमें पता है कि 53 में से 6 ऐसे क्या कहते हैं सिटीज है जो मेगा सिटीज है, और 5 मतलब ऐसे मेगा सिटीज है जिनकी जनसंख्या 5 मिलियन तो है, मतलब 50 लाख तो है, समझ रहे, 50 लाख तो हमारी है, मतलब हमारे ऐसे शहर है जिनकी 50 लाख है। अब ये क्या पूछ रहा है, 5 मिलियन है, ठीक है, 6 ऐसे स्टेट्स है, 6 ऐसी सिटीज है, सिटीज कह सकता हूं मैं, जिसकी 5 मिलियन है, लेकिन वो 10 मिलियन पूछ रहा है अब से एग्जामिनर। तो 10 मिलियन के लिए आपको पता होना चाहिए जहां पर इंसान सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा, जहां पर सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। ऑफकोर्स उधर के इलाके में सबसे ज्यादा होगा तो ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर एंड हैदराबाद, ये ऐसी प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा क्या कहते हैं हमें देखने को मिलता है लोग। तो एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे लोकेट कर देगा, बोले ये बताइए ये क्या है, ये आपसे बोल देगा कि ये बताइए कि यहाँ पे ये वाला प्लेस जो है हैदराबाद ये कौन सा है। आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ये बेंगलोर है, यहाँ पे बोल देगा कि ये बताइए, तो आपको कर्नाटका याद रहना चाहिए और बेंगलोर उसकी कैपिटल है, तो उतना आपको याद रहेगा, मुझे नहीं लगता कि इतना टफ होगा आपके लिए। तो 10 मिलियन की पॉपुलेशन, 1 करोड़ की आबादी, दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी, छोटी सी जगह है इसलिए हाईएस्ट डेंसिटी प्लेस ये है, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम में सबसे टफ है, ये सबसे टफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना एग्जामिनर ने आपसे क्या कहते हैं ये पूछ लिया कि एग्जैक्टली लोकेशन बताइए क्या है। लोहा अयस्क खदान, यानी कि जहां पे आयरन जो ओर है उसका माइन सबसे ज्यादा पाया जाता है खदान, और फिर मैग्नीशियम का जो खदान है वो कहाँ पाया जाता है। तो इसलिए मैंने आपके इजी सहूलियत के लिए ये पर्टिकुलर जो प्लेस आपसे पूछ लिया ना, पर्टिकुलर प्लेस जो पूछ लिए, ये मैंने लोहा अयस्क करा है, तो आपसे यही चार पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पे। तो भाई ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका मुंबई दिख रहा, सॉरी महाराष्ट्र दिख रहा है, तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी है, तो आपको रत्नागिरी याद रखना पड़ेगा कि रत्नागिरी जो है वहां पे आयरन ओर सबसे ज्यादा मिलता है, एक ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला प्लेस जो है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर वेल्लारी करके जगह है, वेल्लारी,
तो ये एक जगह है आंध्र प्रदेश, तो ये एक जगह याद, मतलब यही चार याद रख लीजिएगा, आप आसानी से आयरन ओर बता पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्टली फोटो स्क्रीन खींचनी है, फोटो खींच लीजिए और उसके बाद टेलीग्राम पे अगर आप लोग हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, इसे आपको आसानी रहेगी। फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में आपका बालाकोट याद रखना है और यहाँ पे शिव मोगा लिखा हुआ है ना, तो बालाकोट तो एमपी के अंदर है, बालाकोट तो एमपी के अंदर है, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाला प्लेस जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कर्नाटका, तो शिव मोगा जो है वो कर्नाटका के अंदर है। दो प्लेस, मतलब मैग्नीशियम में दो प्लेस और आयनर ओर के अंदर चार प्लेस, यानी कि छह प्लेस। एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिएगा, यही एग्जामिनर आपसे पूछेगा। दूसरा आपसे पूछा है तांबा और बॉक्साइट, तांबा कहाँ कहाँ मिलता है, तीन जगह, खेतारी और राजस्थान के अंदर, यहाँ पे हजीरा बाग है ये वाला प्लेस, यहाँ पर हमारा हजीरा बाग, ठीक है ना, ये वाला प्लेस जो हमें दिखाई दे रहा है, ये झारखंड का प्लेस अलग से दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला है। उसके बाद सिंहभूम करके एक जगह है, तो वो हमारी उड़ीसा के अंदर है। तो दो जगह है, तीन जगह, वो एक हमारी राजस्थान होगी। फिर यहाँ पे पूछा बॉक्साइट कहाँ मिलता है, तो बॉक्साइट कटनी, कटनी मतलब हमारा मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे बिलासपुर, बिलासपुर आ गया हमारा ये वाला प्लेस, ये छत्तीसगढ़ वाला आ गया। उसके बाद कोरापुट है हमारा ओडिशा में, तो ये कोरापुट ही जगह है। तो मतलब यही सेम, मतलब जो याद करने वाली चीज है ना, जो आपको याद रखनी है, मतलब हाल फिलहाल जो चार पांच दिन है आप याद कर सकते हैं, ये हमारी कितनी प्लेस होगी, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह प्लेस हो गई और ये प्लेस होगी हमारी पांच, ये भी छह, तो बारह प्लेसेस आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि है बहुत सारी, कंफ्यूज करने के लिए आप भूल जाएंगे, इसीलिए एग्जामिनर ने आपकी सहूलियत के लिए पहले से ही बता दिया कि एग्जैक्टली इतनी याद कर लीजिए। तो ये हो गई हमारी इंडिया के रिगार्डिंग में मैप, जो इंडिया के अंदर पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाले मैप की। वर्ल्ड वाले मैप में पहला पूछा है लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म वाइज द एरिया, मतलब हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट है, किसके इन द टर्म ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग में लार्जेस्ट है, एरिया के अकॉर्डिंग में लार्जेस्ट है। बट मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, छह कंट्री उठा ली जो मैंने जनसंख्या के हिसाब से उठा ली, ये एरिया के हिसाब से पूछ लिया इसने, इन द टर्म ऑफ एरिया, मुझे इन द टर्म ऑफ यहाँ पे पॉपुलेशन डालना था, इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये माफी चाहूंगा मैं, इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, इन द टर्म ऑफ आपको वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पॉपुलेशन, ओके, इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कॉन्टिनेंट हमारे सात है, वैसे तो आठ भी हो चुके हैं, ज़ीलैंडिया भी एक है, आपको बताना है कि उनमें से जो कंट्री है, उनमें से जो कंट्री है वो कंट्री जनसंख्या के हिसाब से कौन से स्टेट, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है। तो जनसंख्या के हिसाब से कोई भी आपसे पूछ लेगा, आपसे ये उठा के पूछ लेगा, ये कहेगा ये बताइए ये क्या है, एशिया में जनसंख्या के हिसाब से कौन से स्टेट सबसे बड़ी जनसंख्या में है, तो एशिया में सबसे बड़ा चाइना है भाई, तो चाइना टिक करना पड़ेगा। उसके बाद इंडिया है, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, और देख सकते हो सारे मैंने एशिया वाले कर रखे हैं यहाँ पे। फिर आगे आपका इंडोनेशिया, फिर आगे आपका पाकिस्तान, फिर आगे आपका बांग्लादेश और फिर आगे आपका रशिया। रशिया जनसंख्या में सबसे छोटा है एशिया में, पर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है एशिया में, तो ये चीज। और मुझे लगता है वर्ल्ड मैप में आपको ये लोकेशन तो याद रहेगी कि पाकिस्तान कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, नाइजीरिया आपके अफ्रीका के अंदर आ गया, ब्राजील आपका साउथ अमेरिका के अंदर आ गया, मेक्सिको आपका मिडिल अमेरिका के अंदर आ गया, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और ये इलाका जो है मैंने पहली एरिया के हिसाब से आपके लिए दे दिया है कि पॉपुलेशन एशिया की इतनी है और लैंड एरिया उनका इतना है, तो एरिया के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर यूरोप है, फिर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड है, फिर नॉर्दर्न अमेरिका है, ये एरिया के हिसाब से कि कितना स्टेज वो शेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से। अब दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लिया, एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, मतलब सब्सिस्टेंस गैदरिंग का मतलब ये होता है कुछ ऐसी खेती भी होती है जिसमें हम गैदरिंग बोलते हैं, मतलब ये प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट है पर हम इसमें चीजों को गैदर करते हैं, तो गैदर करने के लिए प्लेसेस पूछ लिया। ये मैप थोड़े कम आने के चांस है क्योंकि इतने सारे मैप तो वैसे पूछ लिए, तो आपको ये लोकेशन याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली इन मैपों को देख लीजिएगा कि अमेजोन बेसन है जहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या कहते हैं गैदरिंग होती है, ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला प्लेस है, ये वाला प्लेस है अफ्रीका वाला प्लेस है ना, फिर इनर पार्ट ऑफ साउथ क्या कहते हैं इनर पार्ट ऑफ साउथ एशिया ये वाला प्लेस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, नॉर्थ कनाडा है ये नॉर्थ कनाडा, ठीक है, उसके बाद यूरेशिया तो हो ही गया, चिली वाला प्लेस है यहाँ का, तो इसीलिए आपको ये लोकेशन थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी और यहाँ पे गैदरिंग वाला है। अब यहाँ पे ना मेन पता है क्या है, यहाँ मेन प्रॉब्लम ये हो गई आप लोगों के लिए कि इसमें आपसे क्या पूछेगा, आपसे ऐसे यूं ये इलाका करके ये पूछ लेगा एग्जामिनर की बताइए कि ये वाला पार्ट कौन सा है जहां पर गैदरिंग होती है, मतलब जहाँ पे गैदरिंग मतलब वो गैदरिंग जैसे रॉ फूड्स होते हैं उनको कलेक्ट करना पड़ता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं आ सकता, एमसीक्यू अगर आ भी रहा है तो फिर तो आपके लिए और आसान हो गया।
उसके बाद दूसरा नोमैडिक हर्डिंग, कहां पे क्या कहते हैं घुमंतू चरवाह होते हैं, ये हमें इस प्लेसेस पे याद रखना पड़ेगा, पर इंडिया के लिए जरूरी है। हिमालयन रीजन में इंडिया का याद हो जाएगा गुज्जर, बकरवाल, उसके बाद गाडीज और भूटियाज, ये लोग हुआ करते हैं जो हमारे यहाँ पे अगर देखेंगे तो हिमाचल साइड में उत्तराखंड साइड के अंदर ये स्पेशली क्या कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग करते हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा जरूरी हो सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं एरिया ऑफ कमर्शियल लिव स्टॉक, ये वो लोग होते हैं जो बड़े जमीनों पे कमर्शियल क्या कहते हैं लिव स्टॉक करते हैं, मतलब इसमें बहुत पैसा लगता है। जानवर जितने भी होते हैं भेड़ बकरी, उसके बाद क्या कहते हैं आपके घोड़े, उसके बाद आपके क्या कहते हैं जर्सी गाय, बुफेलो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो कहाँ कहाँ है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उर्गिया और यूएसए। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्लेस आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड के मैप में इनकी लोकेशन कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया सभी को पता है, न्यूजीलैंड सभी को पता है, उसके अर्जेंटीना, आई थिंक यूएसए ये वाला है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो ऐसी प्लेसेस आप याद रख लीजिएगा तो आपके लिए बेटर है। उसके बाद आ जाता है फिर हमारा एग्रीकल्चर में एक प्रिमिटिव सब्सटेंस था इसमें और इंटेंसिव सब्सटेंस था, ये एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, ये वाला नहीं पूछा इस बार आपसे। कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर एक हमारा आता है एक्सटेंटिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन और मिक्स कल्टीवेशन, ये दोनों आपसे पूछ लिया है, और प्लांटेशन नहीं पूछा और डेयरी फार्मिंग नहीं पूछा है। तो जो नहीं पूछा मैं वही बता रहा हूँ, वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए एक्सटेंसिव में क्या होता है बड़े लेवल पे क्या कहते हैं हमारी खेती होती है, वो भी गेहूं की, तो खेतों का आकार बड़ा होता है, मशीनाइज होता है, इसलिए एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा ईजी है आपके याद करने के लिए कि कनेडियन एंड अमेरिकन पेरीज के इलाकों में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमें अर्जेंटीना में देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिल रहा है, न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिल रहा है, और साउथ अफ्रीका के अंदर प्लेस पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वाला मुझे लगता है कि ये वाला चांसेस ज्यादा है। उसके बाद क्या कहते हैं मिक्स एग्रीकल्चर, जहां पे मिक्स फार्मिंग होती है, दोनों टाइप की खेती होती है। हमने डिटेल वीडियो एक्सप्लेन हर चैप्टर पे पहले से करी हुई है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये मिक्स एग्रीकल्चर कहां, सॉरी मिक्स फार्मिंग कहां कहां पे हो रही है ये आप याद रख लेगा। और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं इंपॉर्टेंट पहले से लिख दे रहा हूं कि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कहां कहां पे होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सी यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका ऑफ ट्यूनिशिया, मतलब जितने भी सी वाले प्लेसेस है, ट्यूनिशिया ये रहा, और जितना भी यूरोप का हिस्सा है, इधर के इलाकों में सबसे ज्यादा हमें क्या कहते हैं सिटर फार्मिंग, यानी कि मेडिटेरियन सी, जैसे हम क्या बोलते हैं ग्रेप्स की खेती, अंगूर सबसे ज्यादा, याद करिए वाइन सबसे ज्यादा यूरोप में इटली में मिलती है सबसे ज्यादा। उसके बाद साउथ कैलिफोर्निया, तो साउथ कैलिफोर्निया ये रहा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले हिस्से आ जाइए, सेंट्रल चिली, तो सेंट्रल चिली ये रहा। उसके बाद साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये रहा। साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये रहा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे उन पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, आई होप आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। एक आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये सेकेंडरी क्या कहते हैं एक्टिविटी के अंदर आपको रूह रीजन बताना है कहाँ पे है। ऑफकोर्स ये जर्मनी के अंदर है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। सिलिकॉन वैली ऑफकोर्स ये अमेरिका में है। आप यहाँ पे अपलियांच रीजन, ये वो प्लेसेस है जहां पर क्या कहते हैं सबसे ज्यादा लोहा जो है दूसरी कंट्री से अमेरिका के अंदर आता है, ये वो जगह है। ग्रेट लेक्स रीजन, अगर आप सिक्स चैप्टर में जाएंगे तो एग्जैक्टली इसी पे, इसी का ही आपको मिलेगा, इसी का एग्जैक्टली मिलेगा लास्ट वाले पेज पे, उसकी स्टडी आपको अलग से करनी पड़ेगी, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ज्यादा बता दी है, इंडिया वाले पे आपको ज्यादा फोकस करना है, वर्ल्ड वाले पे जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट बताया उतना ही अगर आप कर लेंगे तो आपका एक भी मैप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ मिलते रहेंगे, और आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस का लाइव सेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो वहां पर आपको स्पेशल वो मिल जाता है कि हम लाइव कब करने वाले हैं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।